बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी झटपट मलाई चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, जो बनाना बेहद इजी है, बेहद आसान है। तो हमने इसको बग़ैर अवन और तंदूर के बनाया है, तवे पे, पैन पे। तो आइए चल के देखते हैं और बनाते हैं आज की रेसिपी। चिकन मैंने लिया है टिक्का कट्स में, ठीक है जी। एक मैंने लिया है ब्रेस्ट का पार्ट अलॉन्ग विद विंग्स, और एक मैं लूँगा थाई, ठीक है जी। तो इसी तरह से कट मार्क्स हमने बना लेने हैं ताकि मैरिनेशन अंदर तक चला जाए, चिकन हमारा बेहतरीन सा टेंडर और जूसी हो, ठीक है जी। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर है, न्यू विजिटर है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 60 ग्राम्स के आसपास योगर्ट है जी, दही, और साथ ही साथ में 40 ग्राम्स मैंने क्रीम ली है, कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं। मेरे पास घर की मलाई है, क्रीम है जो सेपरेट हो जाती है मिल्क से, वो मैंने यूज़ की है। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट मैंने ली है, ठीक है जी। मलाई टिक्का है तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। हल्दी मैंने शामिल की है 1 टीस्पून, ठीक है जी। ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून मैंने शामिल की है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और जो चिकन हमने लिया था उसी पे मैरिनेट करके फॉर 1 आवर के लिए हमने रख लेना है फ्रिज में मैरिनेशन के लिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है जी। अगर आपके पास अवन है तो 180 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको बेक कर सकते हैं फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स, और तंदूर में भी आप इसको बेक कर सकते हैं, पका सकते हैं फॉर अराउंड 15 मिनट्स। मैं इसको पैन पे बनाने जा रहा हूँ, जो सबसे इजीएस्ट वे है तिक्खा बनाने का, ठीक है जी। तो वो चल के देखते हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख लेना है ताकि जितना भी मैरिनेशन है बेहतरीन सा हमारा चिकन जज्ब कर ले, ठीक है जी। एक से डेढ़ घंटा हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए हो चुका है, ठीक है जी। तवा हमने ले लिया है, किसी भी तरह का पैन हो वो आप ले लें। हल्का सा ऑयल या बटर से ब्रश करके जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो रख लेना है, और ईच साइड को हमने 5-7 मिनट तक कुक करना है कवर करके। बिल्कुल हल्की आंच हमने रखनी है ताकि नीचे से हमारा चिकन जल ना जाए, ठीक है जी, और जो हीट है वो अंदर तक चली जाए। तो देखिए माशाल्लाह से ईच साइड को हमने 10-11 मिनट्स तक कुक कर लिया है। मेक श्योर कर लें कि ईच साइड बेहतरीन वे में जो है वो कुक हो जाए ताकि कोई भी जगह कच्ची ना रहे, ठीक है जी। तो अब हमने एंड में इसको देना है चारकोल का स्मोक, ठीक है जी। कोयले का कोई भी छोटा सा टुकड़ा गरम करके दरमियान में रख लें, और ऊपर से ऑयल के चनकतरे ड्रिजल करके ऊपर से कवर कर लें ताकि बेहतरीन सा चारकोली फ्लेवर हमारे तिक्खों में आ जाए। ये देखिए हमने इसी तरह से किया है, तो देखिए किस तरह से बग़ैर अवन और तंदूर के हमने बेहतरीन सा मलाई चिकन टिक्का जो है वो घर में बना लिया है, वो भी तवे पे, ठीक है जी, पैन में, और बेहतरीन सा आप इसको इंजॉय करें। फ्लेवर्स अमेजिंग हैं, बेहतरीन सा, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर्स दे रहे हैं। तो अब हम जो है अपने टिक्को को डिश आउट कर लेते हैं। मैं सिजलर में इसको डिश आउट करूँगा टू स्टे हीटेड। देखिए कट्स की वजह से एक लुक भी बहुत ही बेहतरीन दे रही है हमारे जो टिक्के हैं। अगर सिजलिंग प्लेट, सिजलिंग डिश आपके पास नहीं है तो कोई भी प्लान डिश लेके उसमें आप डिश आउट कर सकते हैं, नो इशू। कोई मुमानियत या कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है कि लाजमी हमने इसको सिजलिंग पैन में ही डिश आउट करना है। तो सिजलिंग पैन के नीचे मैंने अनियंस जो है वो रख लिए हैं, ठीक है जी। और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे इजीएस्ट, जूसीएस्ट, टेस्टीएस्ट
चिकन मलाई टिक्का बहुत ही इजी और झटपट तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। ऑलमोस्ट सारी इंग्रेडिएंट्स ही घर में हर टाइम अवेलेबल होते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आ चुकी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।